नमस्कार साथियों, आज मैं केंद्र सरकार के लिए कोई प्रश्न लेकर नहीं आया हूं। आज मैं आप सब लोगों के सामने तीन तथ्य रखूंगा और इन तथ्यों को सुनकर समझकर ये हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम पता लगाएं कि इनमें से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। मेरा पहला तथ्य माननीय रक्षा मंत्री जी का 2 जून 2020 को दिया गया बयान है और आई कोट, चीन के लोगों का दावा है हमारी सीमा यहां तक है, भारत का दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है और उसको लेकर एक मतभेद हुआ और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग आ गए हैं, आई अनकोट। क्या रक्षा मंत्री जी ये बता रहे हैं कि अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग शंघाई में आ गए हैं कि अच्छी खासी संख्या में लोग भारत मां की भूमि में आ गए हैं? मेरा दूसरा तथ्य, माननीय विदेश मंत्री जी का जून 17, 2020 को दिया हुआ बयान है और आई कोट, द चाइनीज साइड सॉट टू इरेक्ट ए स्ट्रक्चर इन गालवान वैली ऑन आवर साइड ऑफ द LAC. व्हाइल दिस बिकम ए सोर्स ऑफ डिस्प्यूट, द चाइनीज साइड टुक प्रीमेडिटेटेड एंड प्लान्ड एक्शन दैट वॉज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्टिंग वायलेंस एंड कैजुअलिटीज। अर्थात चीनी पक्ष ने LAC के हमारी तरफ गलवान घाटी में एक संरचना बनाने की मांग की, हालांकि ये विवाद का एक कारण बन गया। चीनी पक्ष ने पूर्व नियोजित कार्रवाई की जिसके परिणाम स्वरूप हमने भारत मां के 20 वीर सपूतों को खो दिया। मेरा तीसरा कथन और तथ्य माननीय प्रधानमंत्री जी का 19 जून 2020 को दिया गया बयान है और आई कोट, ना कोई घुसाया है, ना ही कोई घुसा हुआ है, ना ही कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है, आई अनकोट। साथियों, इन तीनों तथ्यों को सुनने के बाद ये हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम पता लगाएं कि इनमें से कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि तीनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी विरोधाभासी बात कर रहे हैं। हम सब लोगों को पता लगाना पड़ेगा, ये हमारा कर्तव्य है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। जय हिंद।